अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ अजलान महमूद मलिक फ्रॉम अजलान ट्रॉनिक्स। गाइस, छोटी सी एक वीडियो है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं, स्मार्टफोन्स मोस्टली हम लोग में से हर कोई जो है अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट है ये। बट क्या आपको पता है जितना बैक्टीरिया आपके स्मार्टफोन पर होता है उतना बैक्टीरिया आपके मेरा ही ख्याल किसी और चीज़ पर होगा। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आपका ये फ़ोन है, आप बात करते हो उसके ऊपर, ठीक है, आप कहीं पे भी जाते हो, कोई भी आपका फ़ोन ले लेता है आपसे, आपसे आपके फ़ोन पे बात करता है, आपको नहीं पता वो बंदा कब नहाया है, कब भी नहाया है, क्या वो अपने जो एयर्स हैं अपने कानों को प्रॉपरली जो है वो साफ़ करता है, और जो है मतलब अपनी हाइजीन को बंदा ख्याल रखता है या नहीं रखता, या क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता। सेकेंड ऑफ ऑल, बाज़ लोगों को आदत होती है वो अपना सेल फ़ोन जो है वो अपने साथ टॉयलेट में कैरी करते हैं वो, ठीक है। तो बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि मतलब लोग हर जगह पर अपना फ़ोन लेके जाते हैं, गाड़ी में लेके जाते हैं, कहीं शॉप वॉप पे जाते हैं, सारा काउंटर के ऊपर फॉर टाइम बिंग हम लोग रख देते हैं। हमें क्या पता भाई वो काउंटर वो प्रॉपरली डिटॉल से वो साफ़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों को पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है, और जो लोगों ने काउंटर्स को टच कर दिया, चीज़ों को टच कर दिया है। तो आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन को प्रॉपर वे के अंदर कैसे सैनिटाइज़ कर सकते हैं, या आप लोग कोशिश करें ये रोज़ की अपनी रूटीन बना लें। मतलब ये ना हो कि बिल्कुल ही आप लोग जो है अपने फ़ोन के बारे में कॉन्शियस हो जाए कि यार हमने हर वक्त साफ़ करके रखना है, ऐसा नहीं करें। जब आप किसी अगर तो आपके अपने पास या अपने हाथ में तो फिर तो ठीक है, बट अगर आप किसी को दे रहे हो अपना फ़ोन बात करने के लिए, या अपनी पॉकेट के अलावा डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर रख रहे हो, तो फिर तो मेरे ख्याल में आपको भी अपना फ़ोन सैनिटाइज़ करना चाहिए है। बहुत ही आसान होता है वो। किस तरह से करना है, सबसे पहले बैक कवर को अपने फ़ोन से हटा दें, बहुत गंदी चीज़ होती है, इसको साइड पर रख दें। इसको बेशक आप बाद में आराम से किसी भी तरह से वॉश कर लें, से पानी जाए कुछ भी जाए, नो मैटर, कोई मसला नहीं है। मेन मसला ये है कि अपना जो आपका जो सेल फ़ोन है, बेशक ये आईफोन हो, कोई भी हो, वाटर प्रूफ हो, तो बहुत ही कोई मेरे ख्याल में कोई अमीर बंदा होगा, कोई पागल ही होगा जो अपना फ़ोन वॉश करेगा, क्योंकि फ़ोन में अगर गॉड फॉरबिड पानी चला गया तो उसके अंदर के मदरबोर्ड वगैरह के जो कंपोनेंट्स हैं सारे शॉर्ट हो सकते हैं। फ़ोन साफ़ करने का क्या तरीका है मैं आप लोगों को ज़रा यहाँ पर जो दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपने अपना फ़ोन ले लेना है, ठीक है। आपके पास चीज़ों में क्या क्या होना चाहिए, आपके पास एक हैंड सैनिटाइज़र होना चाहिए है, आपके पास टिश्यू पेपर्स होने चाहिए हैं, और थोड़ा सा आपके पास किसी भी किस्म का बेशक पीने वाला पानी हो या टैप वाटर हो वो होना चाहिए आपके पास। फ़ोन साफ़ करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, बेशक आप अगर चाहें तो आप फ़ोन की पावर ऑफ़ कर लें, ताकि फ़ोन की स्क्रीन बार बार ऑन ना हो, फ़ोन की आप पावर ऑफ़ कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, सबसे पहले आपने एक टिश्यू पेपर लेना है, इसको हल्का सा आपने जो है पानी में हल्का सा डिप करके वेट कर लेना है इसको। जैसे टिश्यू पेपर आप वेट करेंगे, आप लोगों ने क्या करना है, फ़ोन की जो स्क्रीन है, सबसे पहले इसका जो फेस है, मतलब जो टॉप वाली जो जगह है इसकी, जहाँ पे इसका पैनल होता है, स्क्रीन होती है, उसको अच्छी तरह से आप साफ़ कर लें। ये देखिए, यूँ करके जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक हो गया, इस तरह से साफ़ कर लें। उसके बाद इसकी बैक साइड पर आ जाए, बैक साइड को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें इसके। ये डेली यूज़ वीडियो है, ये हर किसी के काम आ सकती है, तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे अगर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो आपको इस तरह की भी वीडियोस और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, सेल फोन से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ आपको देखने को मिले। तो ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लिया है। अब क्या करना है, अब इन दो चीज़ों से हमारा काम हो गया है, इस टिश्यू को हम लोग फेंक देते हैं। अब हम न्यू टिश्यू निकालते हैं, न्यू टिश्यू निकाल के हमने क्या करना है, मोबाइल की जो LCD है उसके ऊपर हल्का सा हैंड सैनिटाइज़र डालना है कुछ इस तरह से। ये देखें, इस तरह से सैनिटाइज़र के एक ड्रॉप आपने डालना है उसके ऊपर। उसके बाद आपने क्या करना है, टिश्यू पेपर जो न्यू आपने निकाला था वो उठा के उसको हल्का हल्का सा ऊपर से इस तरह से मलना शुरू कर दें। ये देखें, इस तरह से ये आप जब इस तरह से मलना शुरू करेंगे इसको अच्छी तरह से, ये पूरी स्क्रीन को ये कवर कर लेगा। बस आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि इसके जो एजेस हैं साइड पे, इसके अंदर सैनिटाइज़र ना जाए, ना ही ये किसी बटन बटन के जो साइड के स्पेसेस हैं या स्पीकर के अंदर से ये फ़ोन के अंदर एंटर ना हो। बस ये आपने चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी सब खैर है। ये देखिए, इस तरह साफ़ हो गया आपका। उसके बाद आपने इस टिश्यू को फेंकने से पहले दोबारा ज़रा फ़ोन की बैक साइड पर हैंड सैनिटाइज़र फेंकना है, थोड़ा सा फेंक के जब इसके इस तरह से ड्रॉप आ जाए उसके बाद आपने इसको पीछे से जो है इस तरह से मलना शुरू कर देना है टिश्यू पेपर की मदद से। ये देखें, फिर यहाँ से आपने इसकी साइड्स भी कवर कर लेनी है, सब कुछ इस तरह से। देखें, इस तरह से क्लीन अप करना है इसको आपने अच्छी तरीके से। ये देखें, ये हो गया आपका फ़ोन बिल्कुल साफ, ठीक है। ये आपका फ़ोन जो है बिल्कुल
सैनिटाइज हो गया है। देखिए इसमें आपके फ़ोन में से खुशबू भी आ जाएगी एक तो अच्छी सी, और ये है कि आपका फ़ोन जो है ये सारे जर्म्स से बैक्टीरिया से ये साफ़ हो गया है। अब बात करते हैं इसका जो बैक कवर है, अब बैक कवर को अगर आप धोना नहीं चाह रहे हैं, अगर कोई आपका कपड़े का वाला बैक कवर है या मतलब कुछ इस तरह से है जो मतलब पानी से ख़राब हो जाएगा, धोना नहीं चाह रहे हैं, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। उसके लिए क्या सोल्यूशन है, अपना जो हमने जो टिश्यू जो फेंका था पानी वाला, दोबारा लाएंगे, ग्लास लाएंगे, हल्का सा उसको टिश्यू पेपर को डिप करके, और उसका अपने बैक कवर को भी इसी तरह से जिस तरह से फ़ोन साफ़ किया था, बैक कवर को भी अच्छी तरह से इस तरह से साफ़ करेंगे हम लोग। पहले अच्छी तरह से उसके ऊपर जो मट्टी शट्टी है, गंद शंद है, मैल वैल है, वो निकाल लेंगे अच्छी तरह से इससे ये करके। उसके बाद जो है जो हमारा हैंड सैनिटाइज़र जो है उसको लगाएंगे इसके ऊपर हल्का सा, ये देखें इस तरह से ड्रॉप इसका डाल के, और उसको टिश्यू पेपर की मदद से मल दें उसको भी इसके ऊपर, ये देखें कुछ इस तरह से ये करके, और इसके एजेस वेजेस भी अच्छी तरह से साफ़ कर लें अंदर से, और ये बस ये देखें ये आपका फ़ोन तैयार हो गया। अब इसको वापस इसके अंदर डाल देते हैं, और हैंड सैनिटाइजर टिश्यू पेपर आप लोग वेस्ट ना करें, जो पीछे वाली जो उसकी जो साइड है जो थोड़ी सी ड्राई है, वो ड्राई साइड आपने यहाँ पे मारनी है इसके ऊपर, ये देखें कुछ इस तरीके से। ये देखें आपका फ़ोन बिल्कुल अच्छे तरीके से सैनिटाइज हो चुका है। अब इसकी पावर भी हम लोग ऑन कर लेते हैं, ये देखें फ़ोन ऑन हो गया है। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप लोग अपने फ़ोन को जो है एक सैनिटाइज़र की मदद से और थोड़े से पानी की मदद से और कुछ टिश्यू पेपर्स की मदद से आप अपने फ़ोन को सैनिटाइज़ कर सकते हैं। मतलब आप इस अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं कि अगर आपका फ़ोन जो है मतलब किसी को आपने दिया हो बात करने के लिए कुछ इस तरह से हो, तो कोई अगर कोई ऐसे कोई जर्म्स वगैरह ना, तो वो आपको ना लगे और आपका फ़ोन जो है वो साफ़ रहे। तो इस तरह से जिस तरह से आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखते हैं, तो यही बात है कि इस तरह से आप अपनी फ़ोन की और अपनी जितनी भी गैजेट्स हैं उनकी भी हाइजीन का ख्याल रखा करें। तो बस गाइस आज की वीडियो फाइनली यहीं तक थी। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जैसे मैंने पहले कहा था, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।